सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन में। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आप अपने फ़ोन को कैसे बूस्ट करें, ठीक है ना, और उसको बिल्कुल फास्ट कैसे बनाएं, और भी काफ़ी सारे टिप्स ट्रिक्स जो हैं मोबाइल के बारे में, वही सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, है ना। यहाँ पर अब जो लोग दोस्तों फेसबुक लाइट कर सकते लाइट यूज़ कर रहे हैं वो तो अच्छा है ही है, लेकिन दोस्तों अगर आप यूज़ कर रहे हैं फेसबुक जो है बड़ा वाला, तो मतलब जैसे कि ये होता है ना 57 MB का या कुछ MB का बड़ा है ये, अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको देखिए यहाँ पर जो तीन डंडे बने हुए हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर आना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप आएंगे और अभी देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रही है, इसको ओपन होने देते हैं। उसके बाद आपको देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा नीचे नहीं आना है, ये रहा आपको देखिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा डाटा सेवर का। ओके फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं डाटा सेवर का ऑप्शन है। आपको इस डाटा सेवर के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद इस ऑप्शन को जो है वो ऑन कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जी हमारी जो फेसबुक पर वीडियोज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली चलने लगती हैं, उससे हमारा डाटा ज़्यादा खर्च होता है और हमारे फ़ोन जो है वो थोड़ा मतलब कि बैटरी ज़्यादा लेता है। लेकिन अब अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो अब वो वीडियो नहीं चलेंगी जब तक आप उनके ऊपर सिंपल टैप नहीं करके चलाओगे। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी सेटिंग फेसबुक की होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको नहीं पता होगी। जब आप इसे ऑन कर देंगे सेटिंग को तो ऊपर की तरफ देखिए ऐसे लिखा जाएगा डेटा सेवर ऑन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सेटिंग आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं आपको दोस्तों दूसरी सेटिंग यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि है दोस्तों व्हाट्सएप की। आप अपने मोबाइल में नॉर्मली व्हाट्सएप तो सब यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप यूज़ करने वालों को एक दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो उनकी वीडियोज़ होती हैं, उनकी जो है जितना भी आपका मटेरियल होता है वो सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगता है। वीडियोज़ GIF हो जाती हैं और इमेजेस हो जाती हैं, वो सब हम जैसे ही नेट ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपको देखिए तीन डंडे में दिखेंगे ऊपर की तरफ, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है। फ्रेंड्स जैसे आप सेटिंग पे जाएंगे यहाँ पर आपको डेटा यूजेस की सेटिंग मिलेगी। आपको डेटा यूजेस की सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि हैं हमारे मीडिया ऑटो डाउनलोड के। आपको यहाँ पर ये कुछ या तो फोटो इमेजेस सेलेक्ट होगा, ठीक है ना, तो आप जो है यहाँ पर इन सब के आगे से टिक हटा देना, ठीक है फ्रेंड्स, और ओके कर देना। जैसे कि ये है, मैंने सबके टिक हटा रखे हैं और ओके कर देना। फिर वैन रोमिंग के ऊपर भी आपको सबके टिक हटा के ओके कर देना। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों एक तो आपका डेटा कंजप्शन बचेगा, आपका ज़्यादा डेटा नहीं खर्च होगा, और आपकी जो ये प्रोसेसिंग में चलती रहती हैं वीडियोस वगैरह ये भी जो है वो कम होंगी, तो फ़ोन की स्पीड तेज होगी, साथ ही साथ दोस्तों बैटरी भी कम खर्च होगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं आपको एक सबसे बढ़िया ट्रिक जो है वो बताता हूँ, वो है दोस्तों आपके मोबाइल की सेटिंग। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको दोस्तों अबाउट फ़ोन पे जाना है। अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर लिखाई देगा, लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा बिल्ड नंबर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर 7 times क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ पे बिल्ड नंबर लिखा है। जैसे आप 7 times इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे करके, यहाँ पर नो नीड ऑफ यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर लिखा आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके ऊपर 7 times क्लिक ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपको देखिए डेवलपर ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल इस डेवलपर ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। ओके फ्रेंड्स, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको तीन स्केल्स मिलती हैं, विंडो एनिमेशन स्केल और ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ठीक है। आपको इनको जो है बिल्कुल है या तो 0.5x कर लीजिए, ठीक है, या फिर जो है आप इन्हें 1x रख लीजिए, ठीक है ना, एक गुना। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे भी 0.5x कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 0.5x कर दिया। तो आप इसका जो इस्तेमाल है वो आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद जो आपका फ़ोन है वो काफ़ी फास्ट ट्रांजेक्शन करेगा। देखिए जैसे कि मैं एकदम वापस आ गया, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी बंद होंगे आपके, जल्दी जल्दी ओपन होगा। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो है फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग और अपने फ़ोन में ही मिल जाती है, जो कि है दोस्तों ऐप्स की। आपको सिंपल इन ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, और ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे वो सब आप शो होंगे। आपको सिंपल क्या करना है, देखिए आप जैसे मैं ये फेसबुक है, सिंपल दोस्तों मैंने फेसबुक ओपन करा, यहाँ पर देखिए आपको एक कैशेज जो है वो मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे 30.98 MB की जो है मेरी कैशेज है।
यहाँ पे देखिए सिंपल क्लियर कैशेज लिखा है, आप यहाँ पे क्लियर करिए इसको, ये 12.00 KB हो गया, ठीक है ना। तो ये जो फालतू की जगह ये ले लेता है, इसके जो कैशेज होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बहुत अच्छा है, और ऐसे ही आप हर किसी के कर दीजिए, जिससे कि वो जो है अच्छे तरीके से वर्क करे। जैसे कि व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में 0.93 है, तो मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। YouTube है, तो YouTube के भी आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। 268 MB जो है इसने मेरी बेफालतू में ले रखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी जो है वो आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। ये हो चुकी है 108 KB, ठीक है। और चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप अपने फ़ोन में ज़रूर करिएगा, इससे आपका फ़ोन फास्ट होगा और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो वर्क करेगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फ़ोन में कई तरह के सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करते हो, जैसे कि है ड्यू बूस्टर, बैटरी सेवर वगैरह, वो आप दोस्तों बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिए। वो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को फास्ट करने के बजाय स्लो ही करते हैं। वो आपके फ़ोन में जगह घेरते हैं, आपका फ़ोन स्लो होता है, आपकी रैम के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और वो दोस्तों कुछ भी किसी भी तरह का वर्क जो है वो नहीं करते, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हो। और भी दोस्तों ऐसी टिप्स ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको मेरी सारी टिप्स ट्रिक्स की जो वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं देता हूँ वो आपको मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और कुछ अपने फ़ोन में नया कर सकें, ठीक है। और देखते रहिए दोस्तों, और इन्जॉय करते रहिए मेरी वीडियो को।